ईसीएल के कुनुस्टोरिया एरिया अंतर्गत बांसड़ा ओसीपी में ब्लास्टिंग के कारण ओसीपी के समीप रहने वाले करीब 2 दर्जन से अधिक घरों में दरार पड़ने के कारण उत्तेजित ग्रामवासियों ने बांसड़ा ओसीपी में विरोध प्रदर्शन करते हुए ओसीपी का उत्पादन ठप कर दिया। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक अस्त्र तीर धनुष लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले 1 वर्षों से ईसीएल प्रबंधन सिर्फ आश्वासन दे रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही। ओसीपी के एजेंट स्नेह आशीष मुखर्जी ने बताया कि ब्लास्टिंग के कारण अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई ईसीएल प्रबंधन करने के लिए तैयार है। आइए सुनते हैं आगे और क्या कहा एजेंट मुखर्जी ने। प्रथमे दाबी तो सेई अनुसारे ब्लास्टिंग अत्यंत आधुनिक पद्धतिते इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर ब्लास्टिंग तार कंपांकेर मात्रा उइदिन মানে আর কি পারমিসিবল লিমিট যাতে কোনো ধরনের ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই ড্যামেজ যদি কিছু হয়ে থাকে আমরা কমিট করেছি, সার্ভে করেছি, আর ড্যামেজ খালি ব্লাস্টিংয়ে নয় আরও বিভিন্ন কারণ বসে ড্যামেজ হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে পুয়োর কনস্ট্রাকশন, পুয়োর বিল্ডিং মেটেরিয়াল, সঙ্গে যদি কোনো টিগারিং এফেক্ট ব্লাস্টিং থাকে আমাদের প্রসেস হয়ে গেছে। 2-4 দিনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ চালু হচ্ছে সেরকম আমাদের বলেও ছিলাম, তাতে ওরা বুঝতে চাইছে।